हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं किचन। तो मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें आइसक्रीम ट्राई किया जाए। तो हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे। परफेक्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ बहुत ही यम्मी रेसिपी यहाँ पे बनके रेडी हो जाती है, मतलब कि यम्मी आइसक्रीम बनके रेडी हो जाती है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐसे डालेंगे जिससे जो आइसक्रीम ना परफेक्ट बनेंगी और बहुत ही कम बजट में बन जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट हमारा है मैंगो। दो मैंगो मैंने यहाँ पर लिए हैं, इसे ना अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसका ऊपर का कवर हम नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पर कोशिश यही करना है कि मैंगो जो है ना थोड़े मीठे हो, खट्टे मैंगो यहाँ पे इस्तेमाल ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि शुगर ज़्यादा डालना पड़ेगा आप लोगों को। इसके लिए मीठे मैंगो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आइसक्रीम का। और यहाँ पे कोई भी मैंगो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका ऊपर का कवर हम निकाल देंगे सबसे पहले। तो मैंगो का ऊपर का कवर जो होता है ना छिलका, वो मैंने निकाल दिया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब इसके इस तरीके से पीसेस हम कट कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और इसकी जो गुठली है वो अलग कर देंगे, और इसका पल्प हमें निकालना है। तो इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए, देखिए इस तरीके से आपको भी करना है। अब यहाँ पे हम एक ब्लेंडर जार लेंगे, देखिए इस तरीके से, और इसमें हम ये ऐड कर देंगे, मैंगो के जो पीसेस हमने कट किए हैं वो ऐड कर देंगे। और इसे हमें पीसना होगा फाइन, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर जितने भी चीज़ें हैं सबको साथ में हम पीस लेंगे। अब इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ना मैं यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम जो होता है ना वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास घर में जमाई हुई जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हो, 3 से 4 टेबलस्पून भर के। वो भी नहीं है तो मार्केट में जो मिलता है वेनिला आइसक्रीम का डिब्बा, जो कि 5 से 10 रुपये में मिल जाता है, 2 से 3 डिब्बे आप ऐड कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा मतलब टेक्स्चर आएगा इसे क्रीमी, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम मैंने 3 से 4 टेबलस्पून भर के ऐड किया है, और इसमें मिठास लाने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, क्योंकि जो मैंगो है वो स्वीट है। और इसके लिए अब यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, ज़्यादा मिल्क यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, 1 कप काफ़ी है। अब इसका कवर हम लगा देंगे और इसे फाइन पीस लेंगे, हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिया है फाइन, ग्राइंड कर लिया है। इसमें जो मैंगो के पीसेस है ना मौजूद नहीं है, और इस तरीके का टेक्सचर आना चाहिए, देखिए बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो ट्रे होता है ना वो लिया है, जिसमें जो आइसक्रीम है वो जमाई जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आगे मैं बताऊँगी क्या करना है। तो सबसे पहले ये फिल कर लेंगे हम, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा ये खाली रहना चाहिए, इतना इसे फिल किया जाता है। तो जितने भी ये ग्लासेस है इसमें ट्रे में, तो वो हम फिल कर लेंगे। तो इस तरीके से एंड में हम इसे टैप करेंगे, और ये जो ऊपर का जो स्टिक है वो लगा देंगे। तो ये डन हो चुका है। अब इसे हम 24 आवर्स के लिए ना फ्रीजर में रखेंगे ऊपर, जिसमें बर्फ जमाई जाती है। और जिन लोगों के पास ये ट्रे नहीं है तो उन लोगों के लिए ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, कि जो पेपर वाला जो कप होता है ना वो लेना है, उसमें ये फिल करना है, आधा ही फिल करना है, बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है, आधा आधा फिल कर लेंगे हम ये कप को। और उसके बाद इसमें स्टिक लगाएंगे, और ये हमें रखना है फ्रीजर में। तो इसमें ना बहुत ही आसानी से मतलब कि आइसक्रीम जम जाती है, और निकालने में बड़ी आसानी होती है, पेपर जो है ना इसे ईजिली हम निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 कप लिया है, और इसे हम फिल कर लेंगे। और स्टिक किस तरीके से इसमें लगाई जाती है बिल्कुल सेंटर में, वो भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे फॉइलिंग पेपर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मुझे तो बताना है आप लोगों को, तो मैं न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल किया है, कुछ भी जुगाड़ लगाया जा सकता है। तो देखिए इस तरीके से बस स्टिक हमें यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए न्यूज़पेपर मैंने लिया था, स्क्वायर में कट कर लिया था, इस तरीके से लगाया है, और बीच रबर की हेल्प से इसे मैंने लगा दिया है, और बीच में नाइफ की हेल्प से मैंने इसे मैं थोड़ा सा कट लगा दिया है बिल्कुल सेंटर में, और स्टिक इसमें हम डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। तो बिल्कुल सेंटर में स्टिक आ जाएगी और आइसक्रीम हमारी परफेक्ट बनेगी। तो दोनों में इस तरीके से मैंने लगा दिया था और फ्रीजर में रख दिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये आइसक्रीम को 24 आवर्स मैंने फ्रीजर में रखा था, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, देखिए इजीली निकल जाती है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और यहाँ पे परफेक्ट आइसक्रीम बनके रेडी हो चुकी है, मैंगो आइसक्रीम, जो कि
कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में हमने बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद आई, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, और जैसे कि मैंगो का सीज़न चल रहा है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करना। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो देखिए, ये वाला जो पेपर वाला जो कप था वो भी निकाल कर मैं बताती हूँ आप लोगों को। इजीली इस तरीके से निकाल देना है और यहाँ पे परफेक्ट शेप आया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो आइसक्रीम को। तो ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।